तो आज मैं अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म करने वाला हूं। आप लोगों को याद ही होगा कि मैंने अपने वर्ल्ड में कासल बनाया, म्यूजियम बनाया, जू बनाया, मेंशन बनाया और इतनी सारी चीजें बनाने के बाद भी मुझे मेरा वर्ल्ड ना ज्यादा ब्यूटीफुल सा नहीं लग रहा था। तो आज के सारे वीडियो में हम लोग अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड को पूरा चेंज कर डालेंगे। हर तरफ हरी भरी हरियाली होगी, जगह जगह पे मस्त मस्त फ्लावर्स होंगे, रिवर्स होंगी, वाटरफॉल, लेक, सब कुछ मैं बनाने वाला हूं। लेट्स गो। फिर देरी किस बात की, जल्दी से चलते हैं वीडियो में। बट हां, अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो और अभी तक आपने नीचे सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो उसको भी जाके दबाओ और उसे भी खूबसूरत कर दो यार। लेट्स गो, चलते हैं वीडियो में। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय वर्ल्ड। फिलहाल अभी मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं आप लोग को सबसे पहले ना अपने वर्ल्ड का एक छोटा सा टूर करा देता हूं कि आखिरकार अपना वर्ल्ड अभी कैसा दिख रहा है और इसके बाद जब मैं इसे पूरा ट्रांसफॉर्म कर दूंगा तब ये कैसा दिखने वाला है, उसके बीच का आपको सही से डिफरेंस पता चल जाए। फिलहाल अभी आप चारों तरफ देखो, यहां पर अपना ये म्यूजियम है बट अगल बगल हरियाली तो है पर एकदम फ्लैट ग्रास, कोई ट्रीज वगैरह नहीं है और बस ग्रास ब्लॉक है, ग्रास भी नहीं है, लीव्स नहीं है, फ्लावर्स नहीं है, मतलब बिल्कुल फ्लैट सा वर्ल्ड है, काफी खाली खाली दिख रहा है। ये एरिया भी मतलब अच्छा है बट बहुत ज्यादा खाली खाली सा है। इस तरफ में मैंने यहाँ पर बीच में एक ट्री बनाया था जो कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अगल बगल जब कुछ इसी टाइप के ट्रीज होंगे तब ज्यादा अच्छा लगेगा। तो अभी फिलहाल के लिए जो टॉप व्यू है वो आप लोग एक बार देख लो कि कैसा दिख रहा है अपना वर्ल्ड और इसमें मैं क्या क्या कस्टमाइजेशन करने वाला हूँ वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मतलब काम कहाँ से कैसे शुरू होना चाहिए ये हमें पूरा पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले तो मैंने ये सोचा होगा कि कासल के बाहर ना मैं बहुत सारी लीव्स लगाऊंगा, जैसे मैंने ये लगाई हुई है ना, तो सेम इसी टाइप की और पत्तियां लेकर आएंगे और उसे मैं पूरा ढक दूंगा चारों तरफ से। और फिर उसके बाद ना मैं यहाँ पर लगाऊंगा आयरन बार्स जिससे कि एक बैरियर वाली फील आए। और यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि ना थोड़ा सा एक कुआं, मतलब जो वेल होता है वो बनाया जाए इधर इधर या फिर यही साइड में मैं बनाऊंगा उसको। रिसेंटली मैंने ये बैंक बनाया था, आप लोग को याद होगा, लेकिन बैंक का बस एक्सटीरियर बनाया था, अंदर से खाली है तो इसका दरवाजा बंद कर दो अभी के लिए। हाँ, और इसके साथ ही मैंने बनाई थी यहाँ पर अपने कासल के सामने एक लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी को मैंने पूरा कंप्लीट करा था जो कि सचमुच में बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। तो इसमें हम लोग आज कुछ भी नहीं करने वाले, ये ऐसी बहुत सही लग रही है। पीछे अपना अम्यूजमेंट पार्क है और अम्यूजमेंट पार्क के पास का भी एरिया हमेशा की तरह बिल्कुल फ्लैट। बेचारा ये एक ट्री, ये पता नहीं कैसे बच गया, मेरे को तो ये नहीं समझ आ रहा। इसको काट देते हैं चलो। अब मैं जब ट्रीज बनाऊंगा तो एकदम सही तरीके से ही बनाऊंगा, एकदम प्यार से। हाँ, तो ये जो मतलब बैक साइड है, ये बैक साइड भी अच्छी है बट जैसे इनकम्प्लीट सी है काफी। तो यार सचमुच में बहुत सारा काम है, काम पर चलते हैं। बट उससे पहले एक बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है जो कि मेरा सच में बहुत ज्यादा मन है आप लोग को दिखाने का। बिहाइंड द सीन मैंने म्यूजियम में बहुत सारा काम करा है जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाया था, बट कोई नहीं, अभी मैं आपको उसका टूर करा देता हूँ। 3, 2, 1, लेट्स गो, चलते हैं म्यूजियम में। अभी देखो ऊपर कुछ भी नहीं लिख कर आ रहा बट जैसे मैं म्यूजियम में गया ऊपर आ रहा है वेलकम टू म्यूजियम। एक जुगाड़ है, जिन्होंने लास्ट वीडियो देखी होगी उन्हें पता चल गया होगा मैंने कैसे करा है। बाकी हाँ, म्यूजियम के अंदर गाइज मैंने ना सभी मॉब्स का मैं टूर करा रहा हूँ। वार्डन मचे मत ले गाइज, सॉरी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, मेरे को ना अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप लोग को पता ही है मैंने नीचे वार्डन को लाकर कैद कर रखा है और उसने भाई मेरी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया है, तो भी मेरे को ना पहले उससे थोड़ा सा दूर जाना होगा। अरे भाई कुछ नहीं दिख रहा, हेलो। रुक जा भाई। हाँ, तो मेरे को ना पहले ये पहन लेना चाहिए। इसके अंदर मैंने ना स्विफ्ट स्नीक लगा रखा है कि जिससे मैं क्राउच करके भी ना ऐसे बैठ कर भी नॉर्मल स्पीड में चल पाऊंगा। मतलब यार वार्डन का तो आप लोग को पता ही है कि जैसे वो साउंड सुनता है तो फिर वो हमें अंधा कर देता है। तो हाँ, टूर में यही है कि ये देखो फैंटम है और जितने भी यहाँ पर मॉब्स हैं ना मैंने उन सभी का रूम बना दिया है। बाकी ये देख लो, ऐसे ही देख लो टॉर्च की रोशनी से। अरे मत कर यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे ना वार्डन को यहाँ से शिफ्ट करना ही पड़ेगा वरना अपना म्यूजियम जो इतनी हमने मेहनत करी है ना ये किसी काम की नहीं रहेगी। मुझे ना यार नाइट विजन लेकर ही आना पड़ेगा, ये तभी हमें यहाँ से काम करने देगा। तो मेरे पास एक बोतल पड़ी थी नाइट विजन की, ये पी लेते हैं, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी और अभी हमें वार्डन से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। हाँ, तो अभी आप लोग देख लो ये यहाँ पर फैंटम का रूम है जो कि बहुत सही लग रहा है। यहाँ पर जितने भी रेड वाले मॉब्स होते हैं उन सबका घर है और यहाँ पर अपने ये विदर भाई साहब जी का घर है और इस तरफ में स्पाइडर्स हैं, वो देखो एक वो बैठी एक वो पीछे बैठी हुई है। यहाँ पर ये ब्लेस का रूम है जहाँ पर लावा और मैंने फोर्ट्रेस वाली कुछ लुक दी है। इस तरफ में नेदर का अपना पिगलिन है, जॉम्बीफाइड पिगलिन, और ये भी खाली है। यहाँ पर समझ नहीं आ रहा किसको लेकर आऊं, आप लोग कमेंट्स में बता दो। और यहाँ पर है अपना डेजर्ट वाला जॉम्बी और इस तरफ में अपना एंड्रूमैन बोट में बिठा रखा और थोड़ी एंड वाली लुक दे दी। इस तरफ में जॉम्बीज हैं और इन भाई साहब ने मुझे इफेक्ट दे दिया नाइस। इस तरफ में अपने क्रीपर भाई साहब, इनका भी मैंने मस्त रूम बना दिया और पीछे टीएनटी रख दिए क्योंकि क्रीपर भी एक टाइप का टीएनटी है। यहाँ पर स्ट्राइडर है, इस तरफ में अपने वो मैग्मा, यहाँ पर स्लाइम, यहाँ पर एंड्रोमाइट्स और इस साइड पे मैंने रखा है ड्राउन जॉम्बी, उसको मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। उस तरफ है जॉम्बी विलेजर और यहाँ पर अपना ये गार्डियन और इस तरफ में अपने इवोकर भाई साहब जिनको मैं लास्ट टाइम नहीं लेकर आ पाया था, रेड करवाई फिर मिल गए। और यहाँ पर अपने स्केलेटन। अब
अब सबसे मस्त चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो कि है बेसमेंट में। मैंने उसकी एंट्रेंस भी बहुत खतरनाक बनाई है, ये देखो। एंड एक बार ये आप लोग फील देखो कितनी ज्यादा डेंजरस है नीचे जाने की, मतलब लग रहा है किसी बहुत खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। और यहाँ पर है सारे डेंजरस बॉस, जितने भी माइनक्राफ्ट के बॉस है। नेदर की बॉस है गास्ट, इस तरफ में अपने वार्डन भाई साहब, उनको मैंने ना कंफ्यूज कर रखा है पिस्टन के वहां ताकि वो मेरी आवाज ना सुने। और लेफ्ट हैंड साइड पे है अपने विदर जो कि हमेशा शोर मचाते रहता है। और इस तरफ में है गार्डियन, सॉरी एल्ड गार्डियन, मतलब ये पानी का बॉस है, ये नॉर्मल वर्ल्ड का बॉस है, और ये है नेदर की बॉस, और ये भाई साहब जी हैं एंशिएंट सिटी के बॉस, मतलब अंडरग्राउंड माइनक्राफ्ट के बॉस हैं। तो चारों तरफ के बॉस हमारे पास आ चुके हैं। फिलहाल अभी ना मुझे यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि ये जगह बहुत बेकार है। और हाँ, मैंने ना यहाँ पर एक बहुत मस्त जुगाड़ बनाया, और कांच लेके मैंने इधर ना गौशाला बना दिया, मतलब वो इफेक्ट दे देता है ना। तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक बकेट लेनी है, इस बकेट से इस इधर आओ भाई साहब, इनसे मिल्क निकालना है। नाइस, तो मैंने मिल्क ले लिया, इसको पी के मैं इफेक्ट क्लियर कर सकता हूँ। और इधर मैंने एक नहीं दो दो काँव लगा दी, दूसरी वाली किधर थी, इधर ही कहीं मैंने एक और काँव लगाई है, एक है ऊपर दूसरी, यार वेट, मैंने दूसरी लगाई है यहाँ पर लगाई थी क्या, हाँ ये रही दूसरी वाली काँव, तो यहाँ पर मैंने इसे लगा रखा है। अभी फटाफट हम लोग यहाँ से निकलते हैं और अपना आगे का काम स्टार्ट करते हैं। मेरे को ना वार्ड एंड विदर किसी से मजे नहीं लेने यहाँ पे, तो उड़ो और भाग जाओ इस म्यूजियम से भाई, बहुत डेंजरस जगह है सचमुच में। लेट्स गो। फिलहाल टूर कराते कराते रात ही होगी, अभी चलते हैं सोने। कल से हम लोग करने वाले हैं सारा काम स्टार्ट और अपने इस बढ़िया से वर्ल्ड को और भी ज्यादा बढ़िया बना डालेंगे। बाकी यहाँ कासल के अंदर बात करी जाए तो शायद डेकोरेशन की बिल्कुल कमी नहीं है। यहाँ पर फ्लोर पे जितना काम हुआ है ना, शायद उतना काम कहीं नहीं हुआ होगा। और मेरा बेड 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 वेट एक सेकंड, बेड तो मैं अपनी इन्वेंटरी में लेके घूमता हूँ आजकल, अपना कोई ठिकाना नहीं है भाई, इतना बड़ा कासल है, कहीं पर भी सो जाओ। कोने में सोऊंगा, नहीं कोने में सोऊं, मैं सोऊंगा अपने एकदम थोन के सामने। चलो भाई हटो भाई आगे से। गुड मॉर्निंग गाइस, नेक्स्ट डे हो चुका है, बेड कलेक्ट कर लेते हैं और फटाफट से हम लोग चलते हैं आयरन बार इकट्ठा करने के लिए। मेरे पास ढेर सारा आयरन पड़ा है तो मेरे को आयरन बार बनाने हैं। यहाँ पर बहुत सारी वुड तो पड़ी हुई है बट इस वाली इन्वेंट्री में आयरन नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं आयरन ढूंढ लेता हूँ, वुड भी कलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है बाद में। स्टोन भी मेरे को चाहिए होगा, स्टोन ब्रिक्स भी चाहिए, ग्रास ब्लॉक भी चाहिए, तो ये ले लेते हैं। ओके, तो मैंने काफी सारे ब्लॉक ऑफ आयरन कलेक्ट कर लिए हैं, फटाफट से चल करना। एक काम करता हूँ, पहले तो ना थोड़ी सी इन्वेंट्री खाली करवाते हैं, जितना भी सामान है मैं सारा का सारा ना अभी तो फिलहाल चलकर बॉक्स में रखवा देता हूँ। डन। तो अभी जितना भी ब्लॉक ऑफ आयरन है ना, मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा आयरन बार में, बट उससे पहले आयरन इंगेट्स बना लेते हैं। बट आई थिंक आयरन बार बनता है आयरन नगेट्स से, मेरे को सचमुच में उसकी रेसिपी नहीं पता यार। नहीं शायद आयरन बार आयरन इंगेट्स, यस ऐसे बनता था, मेरे को पता था। आई थिंक काफी सारा बन चुका है, जितना भी बाकी आयरन बचा है इसको मैं वापस ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो भी मैंने ढेर सारे आयरन बार इकट्ठे कर लिए हैं और कुछ बोन मिल भी इकट्ठा कर लिया है, वो किस लिए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये जो आयरन बार है ना, इनसे बहुत ज्यादा प्यारी लुक आने वाली है इन सभी लीव्स के आसपास, मतलब मैं इसको पता कहाँ लगाऊंगा, इन सभी आयरन बार को ना मैं कुछ इस टाइप से लगाने वाला हूँ यहाँ पे। अब जो भी जैसे पार्क्स वगैरह में हम लोग जाते हैं ना, जैसे वहां पे लगा होता है, तो कुछ वैसी सी वाइब यहाँ पर आने वाली है। और सबसे मस्त चीज, मैं इन सभी लीव्स को ना यहाँ से हटा कर ना एक लेवल का करने वाला हूँ कुछ इस टाइप से, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। और एक सेकेंड यार, मैंने ना ये नहीं बनाई है, मेरी पुरानी वाली मैंने पता नहीं किस चेस्ट में रख दी, तो मेरे को इसके अंदर सिल्क टच लगाना है। मेरे पास पड़ी होगी बुक जहां तक मुझे लग रहा है सिल्क टच की। ओके ओके, ये पड़ी सिल्क टच की बुक, तो मुझे ये चाहिए। लेट्स गो, फटाफट से चल के बुक को लगा लेते हैं, इसको रखा यहाँ पर और ये लग गए सिल्क टच, लेट्स गो। तो अभी क्या होगा, मैं किसी भी लीव को तोड़ूंगा ना तो वो टूटेगी नहीं, वो डायरेक्ट मेरे पास ऐसे आकर कलेक्ट हो जाएगी, जिसे मैं कहीं और प्लेस कर दूंगा। तो इसको हटाकर एक बराबर कर देते हैं और इन सभी की बाउंड्रीज पर मैं प्रॉपर आयरन बार को लगाने वाला हूं। और हाँ, जितने भी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैंने अपने हाथ में ये ब्लेज रोड क्यों पकड़ा हुआ है, वो इसलिए ताकि आसपास ना थोड़ी रोशनी रहे, ये ग्लो करती है। तो फिर ठीक है, फटाफट से कुछ इसी तरीके से मेरे को ना दोनों तरफ आयरन बार लगाने हैं, जैसे मैंने इधर लगाया सेम टू सेम मैं इधर ही लगाने वाला हूं। और ये सारी छोटी छोटी चीजें जिसपे मेरे को पूरा फोकस करके अपने वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाना है। यहाँ पर मेरा प्लान ये है कि मैंने इधर एक मस्त लेक बनाऊंगा, मतलब एक नेचुरल लेक, ऐसा रेडीमेड लेक नहीं लगेगी, वो प्रॉपर सैंड क्ले सब कुछ लाके रखने वाला हूँ मैं उसके अंदर। और मेरा प्लान तो ये भी है कि मैं उसके अंदर फिश भी लाऊंगा और डॉल्फिन भी लाऊंगा। सचमुच में यार, काम करते करते दोबारा से रात होगी, पता भी नहीं चला, बट कोई नहीं, मेरे पास बेड है, मैं तुरंत सो जाऊंगा यहीं पे। ओके, तो ये सचमुच में काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, बट एक चीज मिस है, मतलब इसको ना मुझे यहाँ पर फिनिश करना है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इधर ना एक स्टोन ब्रिक की वॉल लगाई जाए। सारा सामान शलकर बॉक्स में ही रखा हुआ है, तो क्यों ना मैं शलकर बॉक्स को यहीं पर रख दूं और ये स्टोन ब्रिक्स वगैरह से ले लेता हूँ। मैं यहाँ से एक वुड ले लेता हूँ, एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं और इस क्राफ्टिंग टेबल से जो जो मेरे को चाहिए होगा वो मैं लगे हाथ बनाते रहूंगा। तो मेरे को स्टोन ब्रिक का वॉल चाहिए था और ये आगे अपना स्टोन ब्रिक का मस्त वॉल। इस वॉल को मुझे रखना है यहाँ पर और ये सचमुच में अब अच्छा फील आ रहा है पहले से, मतलब ऐसा लग रहा है फिनिश हो रहा है। और एक चीज ये मेरे को यहाँ से हटाना है, यहाँ पर जो पानी है ना अच्छा लग रहा है, बट
मैं सोच रहा हूँ पानी को इस तरफ शिफ्ट करते हैं और इधर लगाते हैं स्टोन ब्रिक्स कुछ इस टाइप से। इससे होगा क्या कि यहाँ पर भी मैं लगा दूंगा और इस तरफ में भी आयरन बार लग जाएंगे। मतलब जैसे नीचे वाले फ्लोर पे आयरन बार है सेम वैसे ऊपर भी होने चाहिए ना। और वैसे पानी को भी मैं कौन सा परमानेंटली हटा रहा हूँ, पानी को हम लोग बस एक ब्लॉक आगे शिफ्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास जो लावा बकेट है इससे मैं पानी यहाँ पर डालूंगा और वेट, मेरे को एक यही जगह मिली थी, स्किटंग ऑब्सीडियन बन गया। चलो तो पानी में सब मैं कर दूंगा, बट उससे पहले हम लोग स्टोन ब्रिक्स लगा देते हैं हर जगह। लेट्स गो, फुल स्पीड में लगाना भाई, बहुत सारा काम है, सब कुछ निपटाना जल्दी से। स्टोन ब्रिक्स मैंने काफी पीछे तक लगा दिए, अब बारी है आयरन बार की, तो इसे भी फटाफट से लगाकर मैं कंप्लीट करता हूँ। एंड चारों तरफ करना है मुझे एक काम, और सचमुच में काफी लंबा काम होने वाला है यार ये। पर कुछ भी हो जाए आज अपनी इस वर्ल्ड को मैं फुल ब्यूटीफुल बना के जाने वाला हूँ। स्टोन ब्रिक्स खत्म हो गए, नाइस। चलो स्टोन ब्रिक्स खत्म हो गए, जब तक पानी वाला काम कर लेते हैं। इस तरीके से पानी भरना काफी ज्यादा आसान रहता है, एक ब्लॉक आगे डालो पीछे से उठाओ, फिर आगे डालो फिर यहाँ से उठाओ, और पूरा भर भी जाएगा अभी देखना। ओके गाइस, तो फ्रंट साइड कंप्लीट हो चुकी है एंड आप लोग फाइनल लुक देख सकते हो कि लीव्स कैसी लग रही है अपने इस कासल की वॉल के सामने। पूरी दूर दूर तक एकदम क्लीन वाली हरियाली हो रखी है। वैसे हाँ, यहाँ पर तो मैं आया नहीं था, मुझे यहाँ पर भी कंप्लीट करना है, तो इधर भी पानी डालना पड़ेगा। एंड ये जो चीज मैंने राइट साइड पे करी है सेम टू सेम यही मुझे लेफ्ट साइड पे भी बनानी है और इस तरफ भी बनानी है, बट ये तो बहुत दूर तक है। चलो कोई नहीं, निपटा देंगे आज। और जिस जगह पे ज्यादा खड्डा हो गया पहले, तो मैं यहाँ पर ना ग्रास लगा दूं थोड़ी थोड़ी सी, और अब मुझे ना यहाँ पर भरना होगा पानी। तो वैसे तो मैं कहीं से भी भरना स्टार्ट कर सकता हूँ क्योंकि अब अपने पास हर जगह इनफाइनाइट वाटर है। चलो फिर फटाफट से पानी भरते हैं। और मैं बता क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना इस जगह पे भी आयरन बार लगा दिया जाए, अच्छा लगेगा या बुरा? आई थिंक ये ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वाले आयरन बार को ना हटा देते हैं, टॉप साइड पे बस ऐसी रास्ता छोड़ते हैं चलने का, ये सही लग रहा है। इसको हटा देता हूँ और ये पानी भी जो है अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है घासों को पानी जा रहा है। वैसे क्या है, अभी ना मैं एक मस्त चीज सोच रहा था कि आप लोग नोटिस कर रहे होंगे बस ना एकदम हरी हरी पत्तियां हैं, बट ये वाली जो लाइन है, इस वाली लाइन में पत्तियों के बीच बीच में एक अजेलिया वाले फ्लावर्स भी है। तो उसके लिए मुझे पता क्या करना है, मैं उसी के लिए ढेर सारा बोन मील लेकर आया था। यहाँ पर जो मॉस ब्लॉक है ना, मुझे इस पे ऐसे करना है और यहाँ पर ये ट्री उग जाएगा। इस ट्री में ये लीव्स है, मुझे ना ये इकट्ठी करनी है बस। तो यहाँ पर बहुत सारी सारी इकट्ठी कर लेता हूँ, कहीं ना कहीं तो लगानी है। तो जितनी भी अजेलिया फ्लारिंग्स है ना, ये मैं तोड़ लेता हूँ यहाँ से सारी की सारी, और अगर मैं और ट्री ग्रो करना चाहूँ तो वो भी उग जाएगा। वैसे एक पेड़ से कम 10-15 तो मिली, वही सब 28 मेरे पे पहले भी थी क्या? हाँ 28 तो नहीं मिलेगी यार, थोड़ी बहुत मेरे पास पहले की भी रही होगी। हाँ तो मैं ये कह रहा था, ये जो मेरे को मिला है ना, इसको मैं ऐसे तोड़ तोड़ के ना बीच बीच में ऐसे कहीं पर लगा सकता हूँ कुछ इस टाइप से। तो अभी ना मैंने इसको अपने दूसरे एंड में ले लिया एंड मैं इसको ऐसे रेंडमली कहीं पर भी प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लावर्स से ही पूरा भर देंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। बीच बीच में एक होता है तो अच्छी सी वाइब रहती है। वेट, ये क्या कर दिया? चलो कोई नहीं, तो चलो फिर फटाफट से ना इसे हर तरफ लगाते हैं, अच्छा लगेगा ये। वैसे यार देखो, अभी भी ना मैंने यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टोन ब्रिक्स लगाए हैं हर एक कॉर्नर पे, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना यही चीज इस वाले कॉर्नर पे भी करी जाए। मतलब ये बढ़िया लग रही है क्योंकि इसके बीच में जब आयरन बार ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं ना, सचमुच में एक बिल्कुल पाक वाली फील आ रही है यार सच में। तो ठीक है, फिर हर कॉर्नर में मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ और कनेक्ट करके देखते हैं कि क्या जैसे राइट साइड में लग रहे हैं उतने अच्छे लेफ्ट में लगेंगे। वैसे सीधी सी बात है, एकदम सिमिलर है तो बढ़िया ही लगने वाले हैं। और एक बार ही फ्रंट से मैं अपने कासल नहीं देख पाऊंगा क्योंकि बीच में ट्री आ रहा है, तो यहाँ से देखता हूँ। वैसे नहीं यार, कहीं से भी देख लो, फील्स तो है एक नेक्स्ट लेवल वाली। चलो अभी अपना पार्क थोड़ा बहुत, मुझे पार्क नहीं अपना वर्ल्ड मुझे थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल होता हुआ नजर आ रहा है। तो राइट साइड मैंने कर दी थी, अब बारी है लेफ्ट साइड की। यहाँ पर भी फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो फालतू की लीव्स है ये मुझे हटानी है। इस तरफ में पानी आना है तो यहाँ तो सारी की सारी ये हटेगी हटेगी, और ये भी हटेगी क्योंकि यहाँ पर स्टोन ब्रिक्स आने हैं, तो ग्रास नहीं रहने वाली इधर, तो दोनों ही साइड के मैं हटा देता हूँ पूरा। डन, फुल ग्रास मैंने इधर क्लियर कर दी है। स्टोन ब्रिक्स लगाने मुझे, तो यहाँ पर आने वाले हैं स्टोन ब्रिक्स कुछ इस टाइप से, और इसके साथ साथ में यहाँ पर आने वाला है पानी। और वेट, इसके अंदर, ओह नाइस, ये काफी सही है, मैं इसके अंदर भी पानी स्टोर कर सकता हूँ, बढ़िया लग रहा है। बट कोई नहीं, मैं इसे यहीं पर डालूंगा और इसके ऊपर मुझे लगाने हैं आयरन बार कुछ इस टाइप से, और सेम टू सेम यही चीज मुझे नीचे वाली रॉ में भी करनी है। तो एक काम करते हैं, पहले ना दोनों को क्लियर कर देता हूँ, उसके साथ एक साथ बनाऊंगा। ओके गाइस, तो आयरन बार को मैंने अपने वर्ल्ड में चारों तरफ लगा दिया है, जू से लेकर म्यूजियम, म्यूजियम से लेकर अम्यूजमेंट पार्क तक, हर तरफ मैंने इस आयरन बार को लगा दिया है और काफी ज्यादा बढ़िया फील आ रही है। मतलब सारा काम एकदम मेंटेन सा लग रहा है, लेकिन अब जो मैं बनाने वाला हूं ना, उससे जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। मतलब आप लोग कह रहे थे ना कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था सब कुछ फ्लैट फ्लैट सा है, तो अभी भी फ्लैट ही है, लेकिन अब मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा लेक। एंड लेक का कंसेप्ट कुछ ऐसा है कि लेक ना इस तरफ होने वाला है और वही लेक ना इस तरफ भी होने वाला है, मतलब आधा इधर होगा आधा इधर होगा, बट वो कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो रास्ता है ना, ये फ्लैट ना होकर यहाँ पर बनेगा एक ब्रिज, वुडन ब्रिज, मतलब पूरा पानी एक ही लेक होगी। तो लेट्स गो, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोनों तरफ में थोड़ी बहुत खुदाई स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस, शायद से मुझे ना यार बीकन लेकर आना होगा, क्योंकि इस तरीके से तो अपना पिकेक्स बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। लेट्स गो, तो मैंने बीकन यहाँ पर लाकर बना लिया है, अब मैं जल्दी जल्दी सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ पाऊंगा। मतलब डबल स्पीड में मैं यहाँ पर खुदाई कर सकता हूँ और फिर मैं थोड़ी सी डीप लेक यहाँ पर बनाने वाला हूँ। ओके, आई
बिल्डिंग में काफी सारे ब्लॉक तोड़ चुका हूँ, एक बार बाहर निकल कर देख लेता हूँ, पता चला कुछ ज्यादा ही चीजें टूट जाए। फिलहाल अभी तो नहीं है तो दोबारा से काम कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कुछ इस डिजाइन की अपनी लेक होने वाली है। पहले मैंने सोचा कि ना बाहर से सिर्फ डिजाइन दे देते हैं, फिर उसके बाद अंदर के ब्लॉक्स मैं तोड़ूंगा। एंड आई थिंक इतना मेरे हिसाब से बहुत होगा, तो इसे फिनिश करते हैं यहीं पर। बाकी सारी ग्लास ब्लॉक्स मैं ऐसे हटा देता हूं एंड लेक सचमुच में बहुत सही होने वाली है। तो ऊपर से पूरी फिनिश हो गई है, बस मुझे इसे नीचे के जो सारे ब्लॉक्स है ना इन्हें भी एकदम तमीज में हटाना है लेयर बाय लेयर, मतलब कुछ इस टाइप से। यहाँ पर थोड़ी सी ऊंची, फिर उसके बाद थोड़ी सी डाउन, फिर यहाँ पर और डीप, और सेंटर में तो कुछ ज्यादा ही डीप मैं से करूंगा। ओके, तो एक साइड का डिग मैंने फुल रेडी कर दिया अपनी लेक के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया था, हम लोग दूसरी साइड भी लेक बनाएंगे और दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए ना मुझे यहाँ के कुछ ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर भी इस तरीके से मैं ब्लॉक्स को ना तोड़ने वाला हूँ। तो चलो भाई फिर ठीक है, फटाफट से पहले सारा का सारा रास्ता यहाँ का क्लियर कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये जो लेक है इसका पानी ऐसे इस वाली लेक से उस वाली लेक में जाएगा, एंड ये भी उतना ही डीप होने वाला है जितना इधर था। तो इसको भी एकदम बराबर लेवल पे चल के सारे के सारे ब्लॉक्स तोड़ते हैं। ओह वेट, दोबारा से रात हो गई, कोई नहीं, बेड है अपने पास, जल्दी से ना पहले दिन करते हैं, अंधेरे में काम करने में मजा नहीं आता। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे हो चुका है और क्या मस्त जगह पर मैंने अपने बेड लगाया था, देख रहे हो। एक तो यार अपनी इन्वेंट्री ना बहुत ज्यादा बुरी तरह भर चुकी है। यप, जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर ब्रिज बनने वाला है, तो इधर से पूरा पानी जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ब्रिज बनेगा। अभी इधर की मेरे को लेक बनानी है, ये भी काफी ज्यादा बड़ा एरिया है, यानी यहाँ पर भी काफी बड़ी लेक बनने वाले। तो ठीक है, सारी की सारी डर्ट यहाँ के भी हटाते हैं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने दोनों साइड की लेक एकदम बढ़िया तरीके से रेडी कर ली है और बस मुझे ना एक बार इसका टॉप व्यू लेना है कि आखिरकार ये दिख कैसी रही है। 3, 2, 1, लेट्स गो। अभी आपको भी सचमुच में बहुत ज्यादा घटिया दिख रही होगी क्योंकि मुझे भी इतनी ज्यादा मस्त नहीं लग रही है। वैसे सीधी सी बात है, अभी एक टाइप से ये ड्राई लेक है, इसके अंदर जब मैं भी सैंड, क्ले, सी ग्रास, पानी वानी लाकर भरूंगा और एक्चुअल जब इसे लेक वाली फील देंगे तब ये अच्छी लगने वाली है। और ये सब लेने के लिए मुझे भी इस टाइम पर ना निकलना होगा किसी ओशन के पास, क्योंकि क्ले वगैरह ना सब कुछ वहीं से मिल, वैसे मिल तो यहाँ से भी जाएगा, बट वही बात हो जाएगी, इधर की लुक अच्छी करने के लिए मैं इधर की लुक नहीं खराब करने वाला, थोड़ा दूर से लेकर आते हैं जहाँ पर मेरा आना जाना कम है। ओके, तो अभी फिलहाल मैं अपने कासल से थोड़ा बहुत दूर आ चुका हूँ और मुझे सैंड, क्ले एंड ग्रेवल, यही तीन चीजें चाहिए और थोड़ा बहुत केल्प ले लूंगा, मतलब एक लेक में जो जो चीजें होती हैं वो सब मुझे चाहिए होगी। तो स्टार्ट करते हैं सैंड इकट्ठा करने से। मेरे पास मेरा शल्कर बॉक्स मैं भूल आया और अभी मुझे फालतू की चीजें फेंकनी पड़ेगी वरना मैं कुछ इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास इस टाइम पर ये डर्ट फालतू पड़ा है, वुड फालतू है, बोन मिल काम का है, स्टोन ब्रिक्स फालतू तो है, बट हाँ यार उनको मेरा ना फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, तो जो जो फालतू की चीजें हैं जिसके बिना काम चल जाएगा वो सब मैं फेंक रहा हूँ। डन, तो भी अपनी इन्वेंट्री में काफी अच्छा खासा स्लॉट बन चुका है, तो मुझे यहाँ से ढेर सारी पहले तो सैंड इकट्ठी करनी है और अपनी शवल। भाई साहब सुपर फास्ट है, 5 मिनट में कितने स्टैक हो गए? अच्छा 5 मिनट तो पहली बात हुई नहीं, अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ है और मेरे पास शायद से 2 स्टैक तो इकट्ठा हो गया होगा, काफी सारी ना कलेक्ट नहीं हुई है, पीछे पड़े हुए, अब चेक करते हैं। यप, अबे नहीं, 3 स्टैक, 3 से ज्यादा, नाइस। तो इतना सैंड मेरे हिसाब से बहुत है और अभी मुझे ना क्ले चाहिए, वैसे क्ले पीछे बहुत सारा है, यहाँ पर नीचे ग्रेवल है बट पानी के अंदर जाकर बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ ना यहाँ पर पहले तो एक ब्लॉक लगा दूंगा ताकि मैं ऊपर खड़े खड़े ये सारा ना फुल स्पीड में तोड़ लूं। इनका है इस अपनी शवल पे ना सिल्क टच नहीं लगा है, तो मुझे ना बाद में से क्ले को ब्लॉक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। नाइस, यहाँ पर काफी सारा क्ले है, सारा ले लेते हैं। और यही प्रॉब्लम होती है बाहर खड़े होकर डिग करना और यहाँ पर आकर इन सबको तोड़ने में, भाई बहुत स्पीड का अंतर है, मतलब ये देखो अगर मैं इस पे ऐसे तोड़ूंगा तो कितना सारा टाइम जाएगा, बट इसके ऊपर खड़े होकर ये देखो फुल स्पीड में सारा काम होता है, नाइस। तो अभी एक काम करता हूँ, पहले तो ना जितने भी ये मेरे को क्ले मिली है ना इसे मेरे को क्ले ब्लॉक बनाना है, तो एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। ओह वेट, क्ले तो हम लोग बिना उसके भी बना सकते थे। ऑलराइट, तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ से ढेर सारी क्ले इकट्ठी कर ली है, ढेर सारी मैंने डर्ट भी इकट्ठी कर ली है, एंड अभी इन सभी क्ले से मैं क्ले ब्लॉक बना लेता हूँ, मतलब क्ले बना लेता हूँ, ये क्ले बॉल है, ये बन गई क्ले और मेरे पास 3 स्टैक क्ले हो चुका है, मेरे को बस अब थोड़ा सा ग्रेवल चाहिए। एंड ये लिली पैड भी लेकर चलते हैं यार, मैं भी जो लेक बनाऊंगा उसके ऊपर कुछ इसी टाइप से रख दूंगा। एंड मेरा प्लान तो ये है कि मैं अपनी लेक के अंदर ना फ्रॉक्स को भी लेकर आऊंगा, वैसे पीछे वाली बायोम में है तो ज्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। ग्रेवल ओके, सामने मेरे को मिल चुकी है, कलेक्ट करते हैं जल्दी से मछली, मछली मछली चल भाई, इसमें एक मछली तो चलो भाई अभी आ गई, इसको लगे हाथ ले जाएंगे। एंड ये रहा ग्रेवल, तो सारा का सारा यहाँ से इकट्ठा कर लेता हूँ, बहुत सारा है वैसे तो, आई थिंक 1 स्टैक से ज्यादा ही है यार। लेट्स गो, तो मैं वापस आ चुका हूँ अपने कासल पे एंड अभी मुझे फटाफट से इन दोनों लेक को पूरा कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, अपने तीनों ब्लॉक्स को मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, इन तीनों के मिक्सचर से मुझे इसे पूरा कंप्लीट करना है। तो बॉर्डर साइड पे ना मैं सोच रहा हूँ कि सैंड रखें और बीच वाली जो साइड रहेगी, रुक जाओ पहले तो बॉर्डर कंप्लीट कर देते हैं। हाँ,
तो बॉर्डर साइड पे सैंड होगी और जो बीच वाली थोड़ी सी साइड है यहाँ पर मैं लगाऊंगा क्ले और एकदम बॉटम में तीनों का मिक्स होने वाला है, कहीं के ग्रास और फिर होगी ऐसे कुछ इस टाइप से ग्रेवल होने वाली है। इसके पीछे मैं थोड़ा ट्राई करूंगा ऐसे क्ले रखूं जैसे कि नॉर्मल ओशन वाली थीम होती है, यहाँ पर भी क्ले कर देते हैं। और वेट, ये मैं थोड़ा सा ऊपर आ रहा हूँ यार, नहीं मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसको मैं ऐसे हटा सकता हूँ। अगर मैं इन ब्लॉक को तोड़ दूं इस टाइप से और यहाँ पर अगर मैं क्ले को रख के ऐसे पानी डालूं तो अच्छी फील आएगी। तो ठीक है, फिर इसे पूरा रैंडमली मैं कहीं पर भी लगाते जाता हूँ और इसे पूरा कंप्लीट करते हैं इन तीन टाइप के ब्लॉक से अच्छे से। ओके, तो अभी फिलहाल लेक का एक बेसिक डिजाइन मैंने कंप्लीट कर दिया है। एक बारी मैं आपको ना ऊपर चल के दिखाता हूँ। और इस टाइम पर ना ये लेक मुझे उतनी ज्यादा सही नहीं लग रही है, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर अभी पानी नहीं भरा है। तो शायद जब मैं यहाँ पर पानी भर दूं, नीचे सी ग्रास लगा दूं और थोड़े बहुत मॉसी ब्लॉक्स लगा दूं तो ये शायद से बहुत ज्यादा ही अच्छा लगे। तो पहले पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ही मैं बताऊंगा ये अच्छा है या फिर बुरा। फिलहाल अभी एक साइड ही कंप्लीट हुई है, सेम टू सेम मुझे ना इसे दूसरी साइड पे भी ले जाके लगाना होगा। बट अभी ना मेरे पास जितना भी मैं क्ले वगैरह लेकर आया था ना वो सारा खत्म हो चुका है एक साइड पे। मुझे लग रहा था कि मैं एक्स्ट्रा ले आया बट अभी समझ आ रहा है कि भाई मैं तो आधा भी नहीं लाया हूं। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लोर है इसे ग्रेवल से भरते हैं एंड जो बॉर्डर्स है यहाँ पर हमेशा की तरह सैंड एंड ग्रेवल दोनों आएगी। वैसे मेरे पास ना सैंड बची है बट पता नहीं मैं क्यों क्ले ज्यादा यूज कर रहा हूँ यार। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैंने दूसरी साइड की लेक को भी पूरा कंप्लीट कर दिया है एंड एक बारी ना मैं इसकी ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ आप लोग को कि आखिरकार ये दिख कैसी रही है। ये देखो कुछ ऐसी सी फील आ रही है जैसे कि कोई ये ह्यूमन बॉडी पार्ट हो, बट हाँ जो भी है अभी मुझे इसके अंदर पानी लाकर भरना है, उसके बाद ये एक लेक जैसी दिखेगी। और पानी भरने के लिए ना मैं ऐसे मतलब एक एक वाटर बकेट तो बैठकर यहाँ पर डालूंगा नहीं, वरना बहुत ज्यादा टाइम जाएगा पूरा लेक को भरने में। मैं क्या करूंगा, मैं जा रहा हूँ सीधा इस टाइम पर आइस बायोम, वहां से ना आइस लेकर आते हैं और आइस को मैं पिघला दूंगा लगाने के बाद, तो तुरंत पानी भर जाएगा सारा। बट जाने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मुझे करनी है वो है कि सिल्क टच की मेरे को यहाँ से बुक लेनी है, क्योंकि मुझे ना आइस को तोड़ के लाना है और तोड़ के लाने के लिए सीधी सी बात है मेरे पास पिकैक्स में सिल्क टच लगा होना जरूरी। और वेट, मैंने इसके अंदर फॉर्च्यून लगा रखा है तो मैं सिल्क टच नहीं लगा पाऊंगा। वैसे से कोई टेंशन वाली बात भी नहीं, मेरे पास एक डायमंड का भी पिकैक्स है बट इसके अंदर एफिशिएंसी 2 लगा है ना। ओके, एफिशिएंसी 2 है बट कोई नहीं, इसके अंदर पहले सिल्क टच लगा लेता हूं मैं। आई थिंक मेरे पास एफिशिएंसी 5 की भी बुक होनी तो चाहिए, एक बार चेक कर लेता हूं एफिशिएंसी। अरे छी यार, क्या किस्मत है, एफिशिएंसी नहीं है मेरे पास। वेट, मेरे को इनसे भी ट्रेडिंग करनी होगी। ओके, तो ये भाई साहब जी मेरे को एफिशिएंसी 4 दे रहे हैं बट इससे पहले ना मैं इनसे एमरल्ड ट्रेड कर लेता हूं और मुझे ना इसे एक बुक लाकर देनी होगी पहले तो, और थोड़े बहुत पेपर भी ले लेता हूं। यार क्या ही दिन आगे ट्रेडिंग करनी पड़ रही है। अरे अरे क्या हो गया भाई, क्या हो गया, इसको ऊपर करो, भैंस की मार कैसे रहे पीछे हो। वाह, विलेजर चला गया और ज़ॉम्बी आ गया उसकी जगह लेने। आजा तू ऊपर आ जा, तेरे से ट्रेडिंग करूंगा मैं। निकल निकल, ओए नहीं इसको मारना नहीं है, एक सेकंड इसको मारना नहीं था, मरियो मत मेरे भाई, कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। हाँ, तो मैं इससे ट्रेडिंग कर रहा था, एफिशिएंसी 5 मेरे को मिल गई है। वैसे मिली तो 4 है बट मेरे को चाहिए 5, तो मैं यहाँ पर एक बुक रख के 2 ले लेता हूँ, इससे बन जाएगी 5 वाली। डन, तो अभी दोनों को रखता हूँ, ये बनी 5, इसको रखते हैं यहाँ पर और ये बन गई अपने पास एफिशिएंसी 5 की सिल्क टच वाली पिकैक्स। बाकी यार इतने सारे पेपर्स लेकर मैं कहाँ जा रहा हूँ, इन पेपर्स को रखवा देते हैं यहाँ पे, लेट्स गो। तो अभी फटाफट से हम लोग निकलते हैं सीधा आइस बायोम के लिए जो कि यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है बट हाँ थोड़ी दूर तो है। वैसे जाते जाते ना गाइस मेरे पास एक चैलेंज है कि क्या मैं इलाइट्रा से उड़ते उड़ते पानी इकट्ठा कर सकता हूँ, मतलब मेरे को जमीन पे लैंड नहीं होना है और पानी भी अपनी बकेट में भर लेना है। कोई नहीं, यहाँ पर थोड़ा खाली एरिया यहाँ पर ट्राई करते हैं। वैसे इजी चैलेंज है, मुझे बिल्कुल जरा सा नीचे जाना है और वेट भरना ऊपर ऊपर ऊपर, नाइस, कुछ ज्यादा इजी था ये तो। ऑलराइट, तो ये मैं पहुंच चुका हूँ आइस बायोम में, यहाँ से मुझे ढेर सारी आइस इकट्ठी करनी है अपनी इस डायमंड वाली पिकैक्स से। लेट्स गो, जल्दी से यहाँ पर लैंड होते हैं और फटाफट से ढेर सारी मैं तोड़ लेता हूँ। इसीलिए मैंने इसके अंदर सिल्क टच और एफिशिएंसी लगाई थी ताकि जल्दी जल्दी टूट जाए, मेरे पे ज्यादा टाइम नहीं है। वहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाकर मैंने सोचो इधर कितना सारा टाइम बचा लिया अपना। बाकी हाँ टाइम तो बच रहा है, पर इस वक्त मैं जो तोड़ रहा हूँ ना अभी इसमें से मेरे पास कुछ भी कलेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ 7 आइस और मैं कम से कम 3-4 स्टैक तोड़ चुका हूँ। भाई नीचे तो मत जाओ यार। वेट भाई, अभी तो सीड लगाई देते हैं, फिर उसके बाद एक ही बार में ना बोन मिल मार के इन सभी को मैं अच्छे से ग्रो कर लूंगा। सीड्स मस्त है यार, फुल स्पीड में मैं लगाते जा रहा हूँ और आधे से ज्यादा फार्म कंप्लीट हो चुका। वेट, आधे से ज्यादा तो नहीं, अभी शायद से 25% फार्म कंप्लीट हुआ है। और वेट यार, एक तो कहीं कूद के चले जाओ ना तो ये देखो जैसे मैं यहाँ कूदा ना ये डर्ट बन जाएगा, तो मुझे इसे वापस से ठीक करना पड़ता। बाकी यहाँ ठीक है, अभी खत्म करते हैं जल्दी से काम को। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल हर तरफ मैंने सीड्स तो लगा दिया है, इसको ग्रो करने के लिए ना मैं भर भर के यहाँ पर इस बोन मील को मार रहा हूँ। उस साइड की फील्ड मैंने काफी अच्छी खासी ग्रो कर दिया बट इधर अभी थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, प्लस बहुत सारा बोन मील भी लगने वाला है यार। मैं 8 ब्लॉक लेकर आया था, मुझे लग रहा था इतने में तो हो जाएगा, लेकिन अभी मैं उसके बाद 20 ब्लॉक और ला चुका हूँ बोन के। वैसे साइड की तो मैंने काफी अच्छे से ग्रो कर दिया बट बीच का पार्ट काफी सारा रह गया, तो यहाँ पर भी फटाफट से मारते हैं बोन मील को। ऑलराइट, तो भी ना मैंने यहाँ पर बहुत सारा बोन मील बर्बाद करके इन सभी वीट को ग्रो कर दिया है, बट यार मस्त
है वेट करने की बजाय, तो ये तरीका ज्यादा बढ़िया है। थोड़ा बहुत टाइम जाता है बट तुरंत आउटपुट मिलता है। फिलहाल अभी मैं काफी सारा सामान लेकर आया हूँ क्योंकि मेरा प्लान ये है कि क्यों ना बीच में ना एक मस्त स्केयर क्रो बनाया जाए। तो बस पहले उसके लिए मुझे बस फेंस रखना है ऐसे, और इसके ऊपर ना मेरे को लगाना है ये हेबेल। वेट, अरे लग जाए यार, एक सेकंड, शायद मुझे थोड़ा पीछे होना चाहिए। कुछ इस टाइप से मुझे यहाँ पर हेबेल लगाना है। ये गलत लगा था, इसको उठा देता हूँ। अब इसके एकदम टॉप पे मुझे लगाना है इस तरीके से पंपकिन, और इसके भी टॉप पर मुझे लगाना है स्लैब, और ऊपर जाने के लिए मेरे को एक ब्लॉक चढ़ना होगा। यहाँ पे लगा देता हूँ स्लैब, और इसकी टोपी बनाने के लिए ना मुझे चारों तरफ से, वाह अभी हमने फसल लगाई थी कि बारिश भी होगी, लेट्स गो। तो चारों तरफ ना मुझे बस इस तरीके से करना है ताकि इसकी थोड़ी कैप वाली फील आए। और अभी ना इसके हैंड मिस है, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसे लगा दूंगा ना तो बिल्कुल इसके हाथ का काम करने वाला है। ये बन गया अपना स्केयर क्रो। यानी एक चीज और यहाँ पर मैंने खराब कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लगा देता हूँ, इसको भी बाद में ग्रो कर देंगे। और साइड से देखते हैं कि बीच मेरा वैसे सचमुच में बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है, तो मेरा मन ये कर रहा है कि क्यों ना दो तीन बना दूं, एक इधर बना देता हूं, एक उस कोने में भी बना देता हूं। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली अपना वीट फार्म भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर ना मैंने हर जगह पर बहुत सारे हेबेल ला के रख दिए हैं, ताकि जो नीचे का पानी है ना आपको दिख रहा होगा, इसको मैं छुपा सकूं। मतलब टॉप व्यू से मैंने ऐसे देखा था, काफी अच्छा दिख रहा था, बट वो जो पानी है ना वो बीच बीच में बहुत अजीब लग रहा था। बट अभी अपना जो वीट फार्म है, ओवरऑल पूरे के पूरे कासल का अगल बगल का जो एरिया था ना उसकी लुक बहुत ज्यादा मस्त हो चुके हैं। बट ये एरिया फ्लैट दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं बनाने वाला हूँ एक विलेज, और उसके बाद बस मैं एक चीज और बनाऊंगा। जैसे ये जो जू का बोर्ड है ना, सेम एक इस टाइप का ही बोर्ड मैं म्यूजियम का बनाने वाला हूँ एकदम इसके ऊपर। तो फटाफट से उसे कंप्लीट करेंगे, बट अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ सोने। और नेक्स्ट डे विलेज है, विलेज में बस दो तीन हट्टी बनाऊंगा, ज्यादा बड़ा विलेज नहीं बनाएंगे यार। तो विलेज बनाने के लिए मैंने बहुत सारे स्टोन ब्रिक्स, चिजल स्टोन ब्रिक्स, स्प्रूस प्लैंक्स एंड ओक लॉग्स ले लिए हैं, और इन्हीं सब में शायद से प्रॉपर विलेज बन जाना चाहिए। वैसे हाँ, और कुछ मेरे हिसाब से नहीं होता। वैसे नॉर्मल जो विलेज हाउस होते हैं उसमें तो कॉबलस्टोन यूज होता है, बट मैं कॉबलस्टोन यूज करने नहीं वाला। मतलब थोड़ी अच्छी फील देते हैं यार स्टोन ब्रिक। तो सबसे पहले जो एंट्री है इसकी, वो मैं देने वाला हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले तो एंट्री के लिए ये वाले जो दो तीन ब्लॉक्स है मैं इसको तोड़ देता हूँ, ताकि ऐसा लगे कि हाँ विलेज में जाने का रास्ता बढ़िया है। और रस्ते से याद आया, रास्ता बना भी तो होना चाहिए। तो रस्ते को हम लोग कुछ इतना ही बनाने वाले हैं, ज्यादा चौड़ा नहीं करूंगा। साइड साइड में ना स्टोन ब्रिक्स प्लेस कर देंगे, थोड़ी कंप्लीट वाली फील आती है। तो एक घर का रास्ता मैं निकालूंगा इस तरफ में, यहाँ पर बनाऊंगा एक हट। दूसरा वाला हट होगा इस तरफ में, ये वाला हट थोड़ा छोटा ही रखेंगे। तो यहाँ पर ऐसे एक हट बन जाएगा कुछ इस टाइप से, और इस तरफ आगे होगा एक हट मैं बनाऊंगा यहाँ पर आगे, और एक हट इधर बनाते हैं लेफ्ट। तो हाँ टोटल चार घर हो जाएंगे, और अगल बगल यहाँ पर मैं वेल बना दूंगा और एक ट्री लगा दूंगा बढ़िया सा, और इसे जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ज्यादा लंबा काम नहीं है। तो सबसे पहले ना बेस पर मुझे कुछ इस तरीके से तीन प्लैंक्स रखने हैं, और विलेजर्स का घर शायद इतना ही बड़ा होता है, बट मैं थोड़ा बढ़िया आदमी हूँ तो थोड़ा उनको एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। वैसे नहीं यार, जैसे होते हैं वैसे ही बनाएंगे तो एकदम ओरिजिनल वाली फील आएगी। तो यहाँ पर तीन ब्लॉक्स, फिर इस तरफ में भी तीन ब्लॉक होने चाहिए। इन घर के बेस को चारों तरफ स्टोन ब्रिक्स से मैं कवर कर देता हूँ कुछ इस टाइप से। तो अभी फिलहाल के लिए ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। तो शायद से ना इसकी एक हाइट और होनी चाहिए या नहीं, वो खैर बाद में पता चलेगा, बट शायद अभी ठीक लग रहा है विलेज। इस विलेज के ना हर तरफ मुझे ना क्राफ्टिंग टेबल के थ्रू स्टेयर्स बना के लगा देना चाहिए सबसे पहले। तो इन स्टेयर्स में बनाने वाला हूँ ओक का, तो रख देते हैं इन सबको ऐसे। और भैया बारिश क्यों पीछे नहीं छोड़ रही है मेरा, कोई बात नहीं, अपना काम कंप्लीट करते हैं, बारिश होने देते हैं। देखो भाई, कुछ इस टाइप का दिखने वाला है एक विलेजर का हाउस अपने विलेज के पास। ये मैंने से पूरा कंप्लीट कर दिया, और थोड़े बहुत और स्टेयर्स मेरे को बनानी पड़ेगी कुछ इस टाइप से। अभी देखो ये विलेज का घर जो है कैसा लग रहा है। वैसे देखा जाए तो ठीक ठाक है। एक दरवाजा यहाँ पर लग जाएगा, और हर साइड कवर करने के लिए ना मैं डायरेक्ट ओक लॉक लगा देता हूँ, और इस ओक लॉक को मैं स्ट्रिप कर दूंगा कुछ इस टाइप से, तो ठीक लगेगा काफी। वैसे यार मैंने ना एक कुछ नया डिजाइन ही बना दिया, इस तरीके के नहीं होते विलेजर्स के घर, बट कोई नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी है, सेम ही बनाया। यहाँ पर मैं विंडो, ओ अब मुझे समझ आया मुझे हाइट क्यों कम लग रही थी। अगर मैं यहाँ पर विंडो लगाऊंगा ना, मेरे को ये हटाना होगा पहले। तो यहाँ पर ना पहले तो एक हाइट मैं बढ़ा देता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैं विंडो को इजिली लगा पाऊंगा। और फैंटम्स आगे भैया मत पंगे लो भाई, मैं मारूंगा तुम्हारी ऐसी की तैसी। लेट्स गो। तो एक घर मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया है, बस मुझे इसे थोड़ा बहुत स्ट्रिप करना है हर तरफ से, और इसके बीच में ना ग्लास लगाने हैं, बट पहले ये कंप्लीट करते हैं। लेट्स गो। तो फाइनली पूरा का पूरा घर जो है कंप्लीट हो चुका है, और ये कुछ इस टाइप का दिखने वाला है। वैसे यहाँ अभी इसका अंदर से मैं कुछ नहीं बनाने वाला, बस यहाँ पर ऐसे दरवाजा लगा के बंद कर देते हैं ताकि अंदर का एरिया दिखे भी ना। ऊपर बस मुझे यहाँ पर स्लैब्स लगाने हैं ताकि छत बन जाए। मैं ग्लास लेकर आ गया हूँ हर तरफ के विंडो को पूरा कंप्लीट करने के लिए। और वैसे भी यार छत पे लगाने के लिए मेरे पास ना ये मस्त ब्लॉक है, तो इसको चारों तरफ मैं लगा देता हूँ, ये भी काफी ज्यादा सही लुक देंगे।
वैसे ठीक है, इतना बुरा नहीं लग रहा है, सोच रहा हूँ एक लेयर और कर दूं, क्योंकि घर ना थोड़ा ऊंचा ऊंचा सा लग रहा है यार अंदर से। हाँ, अभी थोड़ी बहुत परफेक्ट एक अच्छे विलेजर वाली फील आ रही है। एंड ये जो हाउस है ये कंप्लीट है, इसके अंदर बस मुझे बेड ला के रखना है, बट बेड तब लाएंगे जब यहाँ पर पहले कोई विलेजर आएगा। तो पहले सारे घर बनाते हैं, फिर यहाँ पर विलेजर्स को लाएंगे, फिर उनके उनके काम के हिसाब से उनको घर दे देंगे। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल विलेज भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस मैं हर घर के बाहर ना टॉर्च लगा दे रहा हूँ, ताकि रात में ना यहाँ पर ज़ॉम्बीज वगैरह स्पॉन ना हो। और जब मैं यहाँ पर विलेजर्स ले आऊंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर एक गोलेम को भी स्पॉन कर दूंगा। फिलहाल ये जो एरिया है ना, मैंने बिल्कुल एक नेचुरल विलेज जैसा कर दिया। यहाँ पर ट्री जैसे विलेज में होता है, इधर बेल ला के लगा दी है, मॉसी कॉबल स्टोन्स लाकर लगा दिए जमीन पे भी, वहां पे भी। और हाँ, अभी एक चीज है, जैसे ना थोड़ा थोड़ा फ्लैट है, तो यहाँ पर मैं बोन मील मार के थोड़ी थोड़ी ग्रास उगा दे रहा हूँ। टॉल ग्रास नहीं रख रहा हूँ, बस मुझे एक नॉर्मल साइज की ग्रास चाहिए, जिससे कि हाँ ये जगह थोड़ी बहुत और फिल हो जाए। फ्लैट कुछ नहीं होना चाहिए भाई इस वर्ल्ड में। हर एक जगह को मैंने अच्छे से भर डाला है, मस्त मस्त फ्लावर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर उग गए हैं। अब बस इस पूरे के पूरे विलेज में कमी है, तो वो है विलेजर्स की। एक बार चल के ना टॉप व्यू देखते हैं कि आखिरकार अभी जो अपना वर्ल्ड है वो कैसा दिख रहा है। भाई सचमुच में ये वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा ही, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पार्ट ये बना। और वेट, एक चीज तो मैंने दिखाई नहीं, यहाँ पर भी गाइस मैंने वो छोटा सा वो बढ़िया वाला एरिया बना दिया फिशिंग करने के लिए, पर थोड़ा बजट कम था इसलिए सस्ता बनाया। फिलहाल दूसरी वाली साइड भी एकदम मस्त तरीके से बन चुकी है। अब बस एक लास्ट चीज रह गई है, वो है ये वाला बोर्ड। अब बस मुझे यहाँ पर म्यूजियम का बोर्ड बनाना है, बट उसके लिए ना मेरे को ढेर सारे क्वार्ट्स लेकर आने पड़ेंगे, जो कि मेरे पास नहीं है। तो फटाफट से चलते हैं सबसे पहले तो यार नेदर में। तो पीछे ही बहुत सारे क्वार्ट्स हैं जो कि मैंने मिस कर दिए। मेरी पिकैक्स में वैसे फॉर्च्यून लगा हुआ है, तो मेरे को बहुत मल्टीपल मिलने वाले हैं, मतलब मैं एक तोड़ूंगा तो मुझे सीधा दो दो मिलने वाले हैं। और इस टाइम पर मुझे वैसे ज्यादा नहीं, बस 3 से 4 क्वार्ट्स की जरूरत है, आई मीन 3 से 4 स्टैक क्वार्ट्स की जरूरत है। ठीक है यार, बातें कम करते हैं, फटाफट से ना ढेर सारा क्वार्ट्स माइन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो भी फिलहाल मैं वो सारा का सारा सामान लेकर आ चुका हूं जो कि मुझे म्यूजियम के बोर्ड को बनाने के लिए चाहिए था। अब देखो, काम स्टार्ट करने से पहले ना मुझे पता करना होगा कि आखिरकार उसका फ्रेम कितना बड़ा होने वाला है। जैसे सामने जू लिखा है तो उसका फ्रेम थोड़ा छोटा है, क्योंकि उसमें 3 ही लेटर्स हैं, बट म्यूजियम जो कि एक बड़ा वर्ड है MUSEUM, तो टोटल 6 लेटर्स हैं, यानी जो बोर्ड है वो उसके डबल साइज का बनेगा। तो एकदम सेंटर में बनाया, तो अभी एस और ई हो चुका है। अब मेरे को यू बनाना है राइट में, और इस तरफ में बनाना है, नहीं नहीं हाँ दोनों तरफ यू बनाना है अभी। तो मेरे को नाइस, यू बनाने के लिए ना सबसे पहले उसका फ्रेम कंप्लीट करते हैं। एंड यू बनाना तो मेरे हिसाब से काफी ज्यादा सिंपल होने वाला है, बस मुझे एक ब्लॉक इस तरीके से रखना है, दूसरा यहाँ पे रखना है, और बीच में कुछ इस तरीके से इनको लगाना है, और अभी उनको क्लाइंब करके थोड़ा सा ऊपर जाना होगा पहले। तो बस अब मेरे को यहाँ से एकदम स्ट्रेट कुछ इस तरीके से ऊपर जाकर यहीं पर एक स्टेयर लगानी है। यार इतनी मुश्किल से गया था। ओके, मैं वापस से ऊपर आ चुका हूँ, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्लॉक लगाना है, और फिर सेम टू सेम नीचे जाना है। और शायद से यू ना ज्यादा अच्छा बना नहीं, पता नहीं वैसे हो सकता है सही बनाओ, मैंने अभी तक देखा नहीं, ट्राई करते हैं चक्कर। ओ नाइस, अच्छा तो बना है, तो एस ई यू भी एकदम परफेक्ट हो चुका है। अब सेम टू सेम ये यू मेरे को इस तरफ बनाना है, और अब बस 3 लेटर्स बचे हैं, यू एम एम। अच्छा वाओ, काफी सेम वर्ड है यार, मतलब एम यू और एंड में भी यू एम। ऑलराइट गाइस, तो सब कुछ हो चुका है, और एक बार ध्यान से देखो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है जो मैंने म्यूजियम लिख कर, स्पेलिंग तो गलत नहीं है ना, नहीं निशाद से, हाँ यही होते कैरेक्टर स्पेलिंग, बिल्कुल मस्त लिखा है। अब बस थोड़ी बहुत कमी लग रही होगी आपको, और वो कमी है फ्रेम की, तो बस मुझे उसे जाके ना बस इसके हर तरफ मुझे ये प्लैंक्स लगाने हैं, और ये सेम टू सेम जैसा जू लिखा हुआ है ना सामने, कुछ वैसा ही दिखने वाला है। लेट्स गो, देरी नहीं करते। एंड वेट, मुझे नीचे एक ब्लॉक छोड़ना होगा, यानी मेरे को कुछ एक ब्लॉक आगे से इसका फ्रेम बनाना स्टार्ट करना। और वेट, अच्छा इफेक्ट नहीं दिया, वरना मैं इसे तोड़ नहीं पाता, बट कोई नहीं, मैंने ढेर सारी मिल्क बकेट कैरी करी हुई है, नीचे एल्डर गार्डियन पाला हुआ है ना, हमने वो इफेक्ट दे देता है हमें। है ठीक है, इसका फ्रेम बस मुझे पूरा कंप्लीट करना है और अपना काम हो जाएगा। बहुत सारे प्लैंक्स मैं लेकर आया हूं, क्योंकि सचमुच में ये फ्रेम बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है यार। तो ये इसका कुछ ऐसा बेस बन चुका है, मुझे पहले इन दोनों को ना तोड़ के यहाँ पर तो स्टेयर लगानी है सबसे पहले, और अभी जो फ्रेम है वो यहाँ से ना थोड़ा ऊपर की साइड को जाएगा। परफेक्ट, अब साइड आकर मेरे को स्टेयर्स को ना इस तरफ से लगाना पड़ेगा। वेट, ऐसे कूद के लगाता हूँ इधर, और इधर से तो इधर ही लगा दूंगा मैं। परफेक्ट, तो अभी ये जो फ्रेम के स्टेयर है ये भी हो चुके हैं, बस मुझे इस फ्रेम को कुछ इस तरीके से और आगे तक लेकर जाना है। मैं थोड़ा सा जुगाड़ कर रहा हूँ, वैसे पीछे भी लगा ही देते हैं, प्लैंक की अपने पास कमी नहीं है। चलो भाई, फ्रेम की टॉप साइड भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बस मुझे यहाँ पर फ्रेम लगाना है, और इसके बाद मुझे इसमें ना डाउन स्टेयर लगानी होगी। डाउन स्टेयर ऐसे करके लग जाएगी, और उसके बाद मुझे नीचे से वापस कंटिन्यू करना है। एक बार उड़ के जाता हूँ और ऐसे ब्लॉक लगा देता हूँ, और मैं सच में बहुत ज्यादा नीचे आ गया। एक मिनट, एक रॉकेट मारता हूँ, सीधा उड़ते हुए जाऊंगा और ऐसे ब्लॉक लगाऊंगा ना पता भी नहीं चलेगा। ये लग जा लग जा। ओ नाइस, एक लगा दिया मैंने, एक ब्लॉक और लगाना है। तो चलो भाई, फाइनली पूरे का पूरा फ्रेम कंप्लीट हो चुका है। एक बार सामने चलते हैं, इधर से ही देखूंगा, यहाँ से ना बहुत ज्यादा बढ़िया व्यू आ रहा है अपने इस म्यूजियम के फ्रेम का। और जैसा कि मैंने सोचा था, हमेशा की तरह एकदम परफेक्ट बना है, हर
चारों तरफ से बिल्कुल पता चलने वाला है और एकदम मतलब पढ़ने में आ रहा है। बट वेट यार, पता नहीं क्यों वहां से देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सेंटर में नहीं है। एक बार ही ना मैं खुद एकदम सामने से आके देखता हूँ और यहाँ से तो एकदम करेक्ट है, वो शायद साइड व्यू की वजह से हमें लग रहा होगा। बिल्कुल एकदम सही तरीके से फ्रेम भी बना दिया और अभी अपना जो वर्ल्ड है वो सचमुच में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है। अब आप इसे कंपैरिजन करना है इसका जब आपने वीडियो स्टार्टिंग में देखी थी तब से और एक मिनट यार थोड़ा ऊपर चल भाई, हाँ, और अब से पूरा ग्राउंड हमने पूरा भर डाला, लेक बना दी, ट्रीज लगा दी। ये वाला एरिया थोड़ी खाली है, यहाँ पर भी बहुत सारे ट्रीज लगाऊंगा। म्यूजियम के ऊपर भी काफी सारे चेंजेस हैं, नॉर्मल जगह, ब्रिज ब्रिज भाई पता नहीं क्या क्या बना डाला यार इस वीडियो में। तो चलो गाइस आज के साली वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो फटाफट से वीडियो को जाके लाइक करना और इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक के लिए। तो जाओ यार लाइक बटन दबा के गोल कंप्लीट में कर दो। कमेंट्स में अपने बड़े बड़े आइडिया जरूर बताना नेक्स्ट वीडियो के लिए और चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।